मत खराब रखा, हमेशा यही डायलॉग निकलता है मुंह से, यूट्यूब की कमाई है, यूट्यूब की कमाई भाई। उसमें जितने भी डायलॉग मारे मैंने अपने ऊपर मारे, मैंने ये बोला भगवान की दुआ से मैं पढ़ा लिखा हूं, तो वो मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ। अगर 10 आदमी खड़े होंगे और अगर मैं वहां पे ये बोलूं मेरे को खाना बनाना आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन 10 की बेइज्जती कर रहा हूँ, उनको खाना बनाना नहीं आता। गाइस तो अगला दिन हो चुका है, सुबह अभी सो के उठा हूं, टाइम कितना हो गया, 2 बज गया भैया। यार इतनी रात रात भर कौन जगता है, ये मेरे को रात को सोने नहीं देती। और तुम्हारी बात नहीं कर रहा, उसकी तरफ उंगली थी, अब देखो कैसे कुत्ते बेच के सो रहा खुद। देखो देखो ये नहीं सोने देता, ये रात के लिए चार्ज हो रहा है, रात को गोदी लेके घूमना पड़ता है यहाँ पर। और ये देखो अब झाड़ू लगा रही, 2 बजे कौन झाड़ू लगाता है यार। मैं 2 बार लगाया, सुबह लगा चुकी हूँ एक बार। चलो देखते क्या हो रहा है भैया। खाना बना लिया, कपड़े डाला हूँ तुमने, यार मेरे को नौकर बना दिया पूरा। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है बाबू, इतना नहीं चिल्लाया करो यार, मैं नौकर तू नौकरानी, अब ठीक है, अब ठीक है। देखा ऐसी बीवी पति को नौकर देख के खुश है, ऐसी बीवी मेरे मेरे हो ना, और किसी का तुम्हारा नौकर हो मेरे बन जाओ। चलो कहाँ है कपड़े, मशीन से निकालो और ये जो सॉफ्ट वाले बोलो और बाल्टी में भरो, ऊपर ले जाओ, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा बेटा। इसके अलावा कोई, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं, रास्ता भी नहीं है। जा रहा हूँ ना शांति से, जाओ जा रहा हूँ। चलो कपड़े डालने चलते हैं ऊपर। ये देखो ये है सोफे का काम, धूप नहीं निकलती तो सोफे पे कपड़े सूखते हैं। ये हमारी महंगी वाली मशीन है भैया, यूट्यूब की कमाई। यार ये क्या डायलॉग आ रहा है मेरे मन में, मत्था खराब रखा, हमेशा यही डायलॉग निकलता है मुंह से, यूट्यूब की कमाई है, यूट्यूब की कमाई भाई। खरीदा मैंने यूट्यूब की कमाई से, ये देखिए 25,000 का ईएमआई पे लिया था, है ना स्वाति, स्वाति मैंने वो वॉशिंग मशीन ईएमआई पे ली थी, मैंने टीवी ईएमआई पे ली थी, अगर यूट्यूब छोड़ देता तो ईएमआई भर देता मैं, फ्रिज भी ईएमआई पे लिया मैंने, नहीं तो नौकरी करता तो मैं सोच भी नहीं सकता। यार ये क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से डायलॉग, यार अपने आप निकल रहा है ये। और दूसरी बात, ये डायलॉग मैं सिर्फ अपने लिए मार रहा हूँ और लोग अपने दिल पे ले जा रहे हैं। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखोगे, 24 मिनट की वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें जितने भी डायलॉग मारे मैंने अपने ऊपर मारे, मैंने ये बोला भगवान की दुआ से मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो वो मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ। अगर 10 आदमी खड़े होंगे और अगर मैं वहां पे ये बोलूं मेरे को खाना बनाना आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन 10 की बेइज्जती कर रहा हूं, उनको खाना बनाना नहीं आता। थोड़ा सा सेंस लगा लिया करो, पब्लिक पब्लिक ही बोलूंगा यार, पता नहीं कौन कैसी वीडियो बना दे, कुछ पता नहीं चलता। तो चलो कपड़े निकाल लेते हैं और छत पे डाल के आते हैं। आज बहुत सारा काम भी है और बाबू को सबसे पहले आज वैक्सीन लगने वाली है, वैक्सीन 2 दिन पहले लगने वाली थी लेकिन हम बिजी थे तो नहीं लग पाई, तो अब जाएंगे आज वैक्सीन लगवा के आएंगे बाबू के, ठीक है। तो कपड़े डाल दिए हैं मैंने, तो भैया सारे कपड़े डाल दिए हैं, अब चलते हैं नीचे, तैयार वगैरह हो जाते हैं, उसके वैक्सीन लगवा रहे थे, अभी धूप निकली हुई है, फिर एकदम से कोहरा आ जाता पता नहीं चलता। स्वाति तुम्हारे नौकर ने कपड़े डाल दिए, अब जल्दी तैयार हो जाओ, इसके इंजेक्शन लगवा दे। हाँ मैं कह रही हूँ बहुत सारे कपड़े हटा दूँ क्या, जो पहनती हो वो मत हटाओ, जो नहीं पहनती वो दे दो किसी को, है ना। हाँ सूट ऐसे बहुत सारे रखे हैं। ठीक, अभी हम लोग जाने वाले हैं, हाँ वही बहुत कुछ बोलना चाह रहा है, ध्रुव के वैक्सीन लगवाने के लिए, सुई लगवाने जा रहे हैं, ध्रुव की सुई, सुई अभी तो हंस रहे हैं, अभी हंस रहा है, इसे पता नहीं है, ये सोच रहा है वैक्सीन कुछ खाने की चीज है पीने की चीज है, अभी तो पता लगेगा पिछवाड़े पे लगेगा जब इंजेक्शन। तो हमारा बाबू हो गया रेडी और स्वाति भी हो गई है रेडी, वाह हीरो बन गया यार, हीरो तो तुम हो यार, हीरो तो तुम हो बेटे मेरे राजकुमार। ये देखिए फौजी वाली पैंट
ओहो, क्या बंदर मैंने नहीं पहनी बंदर लग रहे हैं बंदर। क्या कर मैंने नहीं पहनी कभी, क्यों नहीं पहनी, पहनी है मैंने। अच्छा अच्छा, तो चलो चलते हैं। ये हमने ले ली है वैक्सीन रिपोर्ट, और कब लगेगी इसमें दिखाई देगा कब है ये देखिए। तो ये जब से पैदा हुआ है 24 जून को लगी थी, 26 जून को लगी थी, और 8 तारीख को लगवाई थी, 8 तारीख को लगवाई थी, 8 तारीख की 11 तारीख को लगवाई थी, 24 तारीख की 26 तारीख लगवाई थी। अभी 26 तारीख वाली आज है 29 तारीख को लगेगी। वेरी गुड, तो चलो चलते हैं। नहीं, जिस दिन लगवाते हैं उसके 1 महीने बाद लगती है ना, वो डेट है। तुम यार सॉरी, नीचे भी देखी ना। चलो तो भैया घर के काम वाम कर लेते हैं, अपने ब्लॉग बनाते हैं। फालतू चीजों में पड़े रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला दुनियादारी का। भाई सच बता रहा हूँ, अपना काम बनता पकौड़ी खाए जनता। चलो मैं गलत नहीं बोलता ना किसी को। ए पापा की तरफ मत देख, देख दुरू, ए दुरू स्मार्ट लग रहा है ना पापा। अभी ब्लैक पैंट पहनूंगा ना तो एकदम मैच। वो ये कह रहा है कि मम्मा से ज्यादा मेरे ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं लग सकता। अच्छा दिख रही है शकल दोनों की। हाँ 36 बजे हुए दोनों के शकल। 36 हाँ, और मेरी शकल पे 12 क्योंकि अभी नहाए नहीं ना मैं। जब मैं नहा लेता हूँ तो मैं 13 बज जाते हैं। तो निकल चुके हैं हम लोग वैक्सीन लगाने, और ध्रुव बहुत खुश है, वो ये सोच रहा है घूमने जा रहे हैं। अभी लगेगा सुई पिछवाड़े पे। दोनों माँ बेटे ऐसे खुश होते हैं। हाँ ये देखो स्वाति वैक्सीन लगवाने के बहाने ही घूम रही है, तो उसको वैसे ही मज़ा आ रहा है। तो हमारी गाड़ी आ गई है, यहाँ पे खोलते हैं हम इसको लॉक। हाँ पहले स्वाति को बाबू पकड़ा देता हूँ, उसके बाद गाड़ी में बैठते हैं। ले लो गाड़ी, धूप में खड़ी है, जब से आए जब से गए कहाँ है पकड़े से। अब ये सी चलेगा। तो हम लोग आ चुके हैं के भरत के पास। बाबू देखिए बेटे एकदम सीधे हो जाओ, अगर रहोगे तो इंजेक्शन लगेगा, नहीं रहोगे तो नहीं लगेगा। आज से इसको मोमोज की चटनी नहीं चटानी, ठीक है? नहीं मैं चटाती हूँ, आप ही हो। ये खुद ही गिर जाता चटनी में। बाबू का नंबर आने वाला है, ये लगेगी। रोना नहीं बेटा, आज नहीं रोना, आज नहीं रोना, नहीं तो सारे कहेंगे ध्रुव रोता रहता है। वेरी गुड, यस। आवाज में शुरू हो जाओ। नहीं सुई नहीं लग रही, सुई नहीं लग रही। फुल आवाज में शुरू हो जाओ भाई। चलो रो मत। अच्छे पहले ऐसे करके फोटो खिंचाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी ये नाथ नारायण भक्ति। नहीं 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 चलो ये हो गया। चलो पापा और बेटा गाड़ी में बैठे हैं। ये मम्मी खाली गोल गप्पे दिखाऊं देखो। देखो लड़की गोलगप्पे खा रही है। खाओ बेटा खाओ खाओ खाओ। अकेले अकेले खाती है, खाने नहीं देती है। बताओ यार ऐसा होता है कहीं पे? अभी आप गोलगप्पे खाने के लिए मुंह खोल ही नहीं पाओगे। हाँ पापा खोल लेते लेकिन पापा खाते नहीं गोलगप्पे। हाँ लव यू। ए गोलगप्पे आ गए, मस्त है ना? अच्छा मजा आ गया। तुम पानी चूसो बेटा। तो गाइस रात के 9 बज रहे हैं, अभी मैं सो गया था, थोड़ी सी नींद आ गई थी। अब उठ के देख रहा हूँ आज हमारे यहाँ शकट थी, तो बनी है कचौड़ी और खीर। तो आ जाओ खाना खा लो, मेरी यूट्यूब की मेहनत की कमाई। स्वाति खा लो। मैं खा चुकी, आप खाओ। खा लो, पहले से ही बहुत सारी खा चुकी यूट्यूब की मेहनत कमाई। हैं पहले से खा चुकी मेरा ना पेट, मतलब खुशखबरी भर गया पेट। हाँ। तो गाइस
मेहनत की कमाई का मजा ही अलग होता। वाह, कभी सोचा ही नहीं था कि हम यूट्यूबर बनेंगे। वाह, नमक ज्यादा है ना? नमक तो ज्यादा है। नमक तो छिड़का है किसी ने। वाह, जख में नमक है? हैं? घाव में और नमक छिड़क दिया, घाव को बड़ा कर दिया है। तो सा घाव था है? छोटा सा घाव था। घाव क्या था वो, छोड़ दे दिया। उस मैटर में बात नहीं करनी अब। ऐसी बात है, देखो मैं तो सीधी सी बात बोलूंगा, कचौड़ी खाओ अपनी, अपना काम खाना आना खाओ, अपना सो यार, मेरे को नींद आ रही है। आ जाओ जी, जिसको कचौड़ी और खीर खानी है मेरे यूट्यूब की कमाई, तो आ जाओ खा लो, वरना बाद में मत कहना बुलाया नहीं। लव यू।